जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर वन कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आ चुके हैं जो है जो मैथ्स और बायो ग्रुप है उसका ये ईयरली बैच आप सभी लोगों ने देखा भी है ना। और ये सभी बच्चे जो है कम्बाइंड टेस्ट नंबर 20 आज कर रहे हैं। एक बार सभी बच्चे जो है पेपर को दिखाएंगे ताकि प्रदेश के मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार हो सके। कितनी भारी संख्या में विद्यार्थी एक साल से कोचिंग कर रहे हैं मैथ्स और बायो ग्रुप के। तो मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थी जो टॉप रैंकर बनने वाले हैं यूपी कैटेट सीएटी और बीसीसी का सपना लिए आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं और यूपी के जो सीएटी बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सबका बहुत बहुत स्वागत और इन सभी का क्योंकि हम लोग अब समापन की ओर चल रहे हैं, इन सभी को सफलता की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से है, तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी परिवार की तरफ से है। आज कंबाइंड टेस्ट नंबर 20 आप लोगों ने देखा, ये सारे बच्चे दे रहे हैं। और हाँ, हम इन एक दो बच्चों से जरूर बात करेंगे क्योंकि ये लगभग एक साल होने वाला है हम लोगों से जुड़े हैं। ये लोग सही फीडबैक दे पाएंगे कि किस प्रकार से तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी की टीम काम करती है, संस्था में किस प्रकार की व्यवस्थाएं, कैसे क्लासेस चलती हैं, विद्यार्थियों के सिलेबस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से ध्यान में रखा जाता है, टेस्ट की क्या व्यवस्था है, वो सारी चीजें विद्यार्थियों से जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं और अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया है और आप अगर चाहते हो 11 जून को होने वाली यूपी के की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के जो है यूपी के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से बीसीएमई करना चाहते हो, अगर आप मैथ्स और बायो ग्रुप से हो तो आप तुरंत ज्वाइन करिए क्रैश कोर्स तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी का। बाकी पांडे सर बताएंगे कि जो है जी बिल्कुल, आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पर वन ईयर जो पाठ्यक्रम के बच्चे हैं वो लगातार टेस्ट नंबर 20 दे रहे हैं। और इस बार हमने ठान लिया है 20, 21, 22, 23 के बाद हमारा मैथ और बायो ग्रुप का 2024 का बैच को भी मुझे सरकारी विश्वविद्यालय में पहुंचाना है। इस सपने के साथ हमारे बच्चे बिल्कुल आज टेस्ट नंबर 20 देने जा रहे हैं जो लगातार पेपर दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा सर अब इन बच्चों से भी सुना जाए कि ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं, हमने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। इसके पहले जो है एक बात और फिर से हम बोलेंगे कि तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी ने पिछले साल जो रिजल्ट दिया है बायो ग्रुप में ऑल यूपी टॉपर जो है या ऑल कानपुर टॉपर की अगर बात करें तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही है सुधीर पांडे। सुधीर पांडे है ना, तो सुधीर पांडे के लिए यहां से भी एक बार ताली बजानी चाहिए है ना। ताली बजा दो सभी लोग एक बार। हाँ, ताली बजनी चाहिए भाई, क्योंकि बायोलॉजी स्ट्रीम से सुधीर पांडे थे। लगातार उन्होंने जैसे आप लोग काम कर रहे हैं ना, इतने सारे बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सुधीर पांडे जैसा नहीं है। मुझे लगता है हर एक बच्चा बहुत सक्रिय है, रेगुलर क्लास करता है, टेस्ट देता है और हम सभी की बातों को सुनता है। उम्मीद करते हैं उसी प्रकार से आप बेहतरीन रिजल्ट हम सभी को प्राप्त होगा इस बार भी, इस बार है ना। तो सफलता का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी है ना। तो बाकी आयुष सर एक दो बात बोलेंगे, इसके बाद किसी दो तीन पर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस केवल मात्र एक दो चैप्टर बाकी है जो बिल्कुल वो भी 2-4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेबस पूरा होना चाहिए और जो चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड है उसको पूरा पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक सिलेक्शन की बात हम नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो कोचिंग है वो कितना पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं, कैसे सिलेक्शन नहीं होता, कहीं के उसके पीछे सर ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा चैप्टर, जैसे फिजिक्स की बात करें पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है, मैथ का भी कंप्लीट होने वाला है, बायो पूरी तरह से बिल्कुल एक एक चैप्टर को मैंने 40 बार रिवीजन भी कराया और पढ़ाया भी है। कंप्लीट तो 3 महीना पहले हो जाता बिल्कुल, लेकिन हम लोग कंप्लीट के साथ रिवीजन भी कराते हैं, साथ-साथ रिवीजन कराते हैं। एक बार पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है बिल्कुल, इसके बाद सवाल कराया जाता है, फिर उसके माध्यम से फिर से रिवाइज कराया जाता है। बायोलॉजी में क्या होता है आपको डेली सर पहले आकर के पिछला रिवाइज कराते हैं, यही काम मैथ्स में होता है, इसी वजह से पूरे बैच का सिलेक्शन होता है। और ये बात सर अगर हम लोग बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम ये बात बच्चों से सुनना चाहेंगे सर बिल्कुल, ये बात बच्चे अगर बताएंगे सही बात। कैसे क्लास चलती सबसे पहले जो है हम एक स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे जी, सबसे पहले आगे यही बैठी है मैथमेटिक्स स्ट्रीम से है। चलिए बेटा अपना परिचय बताइए और आप इतने लंबे समय से तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी से जुड़ी है तो आखिर में कुछ ना कुछ तो आपको फीडबैक
आप तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने 12 साल और पढ़े, कक्षा एक से लेकर के 12 तक आपने पढ़ा, और इसके बाद कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर आई, ठीक है। तो आपने कुछ ना कुछ समझा होगा किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, कैसे आप लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे आपको मोटिवेट करते हैं, कैसे आपको पढ़ाई कराते हैं, सब चीज़ें आपको अनुभव मिल चुका होगा। भले आप बोले नाम से, लेकिन आपके अंदर वो तो सब चल रहा होगा। बिल्कुल ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी के साथ धोखा हो जाए, मतलब जो सच्चाई है। मैथ्स और बायो ग्रुप सब लोग लिख रखे हैं, लेकिन वास्तव में मैथ्स और बायो ग्रुप का सिलेबस खत्म करना संभव नहीं है, ठीक है। वो भी 3 दिन क्लास करा कर, अल्टरनेट क्लास करा करके तो कभी नहीं हो सकता। तो पहले अपना परिचय बताइए, है ना, सामने इधर आ जाइए बेटा, थोड़ा बाहर आ जाइए, और पहले तो ये बताइए कि आपका ग्रुप कौन सा है। ईसीएम ग्रुप है, ईसीएम। थोड़ा तेज बोलिए, है ना, क्योंकि जो है जिससे और बच्चे सुन सकें आपकी बात को, है ना। क्या नाम है आपका? सर तपस्या श्रीवास्तव। कहाँ के हैं? कानपुर से। कानपुर। तो कैसे जो है आप यहाँ पर कोचिंग आई? यूट्यूब के थ्रू, और बाकी सब ने भी एडवाइस किया कि ये कोचिंग बेस्ट है कानपुर में मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाले सब दमदार हैं, है ना। तो आपने एक साल पढ़ करके क्या समझा? एक साल मतलब अगर कहीं और कोई और कोचिंग होती, मतलब सिलेबस ना कंप्लीट हो पाता, यहाँ सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और रिवीजन भी हो रहा है साथ में। मतलब एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार सर ने भी काफ़ी रिवीजन कराया मैथ्स में, आप भी कराते रहते हो, पूछते रहते हो। मतलब फिजिक्स और मैथ्स तो बहुत ही अच्छी चल रही है, और केमिस्ट्री भी सर माथुर सर अभी मतलब थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया था, वैसे केमिस्ट्री भी अच्छी है रेगुलर। अब जो है हमें लगता माथुर सर की भी रेगुलर क्लास हो गई है, और समीर सर रेगुलर पढ़ाई रहे हैं। यस सर। तो आप लोगों को 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है। यस सर। है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा इस समय। यस सर। है ना, केमिस्ट्री में भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि रेगुलर अभी जो है प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर के आएंगे हम लोग, पूरा रिवाइज करवाएंगे। मतलब ये मानिए, सुन लो सभी लोग, एग्जाम के एक दिन पहले तक जो बैठेगा उसका एडमिशन करा दूंगा। कितने लोगों को एडमिशन लेना है एक बार वीडियो दिखाओ भाई सबको, सब लोगों का। तो ये संकल्प लेना है कि जब तक सर बुलाएंगे तब तक आना है, समझ गए बात कि नहीं? एडमिशन पक्का होगा, उसमें दो राय नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो, टीचर तो बहुत जगह हैं, सबके यहाँ फिजिक्स के टीचर होंगे, बायो के टीचर होंगे, मैथ्स के होंगे। मैंने अभी तक ऐसी फिजिक्स नहीं पढ़ी, और मैथ्स भी सर ने बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। ऐसा क्या खास पढ़ाया जाता है सर? एक तो ट्रिक बताते हैं, और कॉन्सेप्ट इतने अच्छे। ऐसा नहीं किताब उताब से देख करके पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, बुक से तो कोई सर भी क्वेश्चन। एक्चुअल में हम लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी ही, एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एनसीईआरटी न जाने कितनी एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, है ना। यस सर। एक्चुअल में एनसीईआरटी जो है वेद है, उस वेद को हम लोग पुराण में रचते हैं, फिर वो जो है समझ में आप लोगों को आ जाता है। पढ़ाते हैं एनसीईआरटी सही, एनसीईआरटी को मतलब उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, डिकोड करना। हाँ, बायोलॉजी जैसे डिकोड करते हैं सर, वैसे हम लोग फिजिक्स और मैथ करते हैं। yes, समझ गए ना, क्योंकि बायो में भी भाई इतने में बायो है मान लो एक किताब, और उस चीज को पूरा लंबा अगर कोई देखे ना, जैसे हम तो देखते हैं, मान लो हम तो मैथ वाले हैं, तो हम तो कहेंगे भैया अरे यार इतनी छोटी सी किताब है, इतनी पतली सी किताब है, इसमें क्या चलता है। लेकिन उस चीज को मतलब ये पूरी तरीके से व्याख्या करते हैं, हर एक लाइन को 20-20 मिनट तक चर्चा चलती है, और उसी का रिस्पॉन्स है कि जो है बायोलॉजी स्ट्रीम में टॉप रैंक अपने यहाँ से है। और मैथ में तो कुछ कहना नहीं, सीवीटी में बच्चा जब जा रहा तो बड़ी बात, आईसीआर में सिलेक्ट हो रहा है ना। yes, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आप मेहनत कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। आप लोगों को बुलाया जा रहा समय से, आप लोग समय से आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, और पूरा प्रयास है कि हम लोग लास्ट तक पूरा रिविजन कराएंगे। छुट्टी भी नहीं करते हो आप, डिसिप्लिन भी यहाँ पर मेंटेन है, बाकी कोचिंग से इतना डिसिप्लिन नहीं होता जितना यहाँ पर है। अच्छा, अगर 3 दिन की मैथ की क्लास होती तब क्या नहीं होता? तो फिर तो कोर्स भी नहीं कंप्लीट हो पाता, और सर जो दो दो तीन तीन बार रिवीजन करा, कोर्स तो लोग इधर उधर बेवकूफ बना के कर देते। बाकी कोचिंगों में क्या, वो आते हैं एक जैसे कूलम्सला है ना, क्या कहेंगे आप बच्चे आज पढ़ते हैं कूलम्सला, फार्मूला लिखे, एक सवाल लगाए, बढ़ गए आगे। लेकिन वो चीज जो पॉइंट लिखवाते ना, व्हेन 2 चार्जेज आर प्लेस्ड इन एयर वैक्यूम देन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज एफ नॉट इज दिस, ठीक है। व्हेन दीज चार्जेज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम सेकंड पॉइंट देन इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू दिस और एफ और एफ नॉट में रिलेशन, ये सब बातें नहीं मिल पाती, समझ गए ना। वो एक फार्मूला लिखते, अब ये हमें समय लगा ना, उन्होंने क्या किया केवल कूलम्सला का फार्मूला लिखा। सर ये चैप्टर स्कूल में भी पढ़े थे, पर इस तरह किसी ने नहीं पढ़ाया, मतलब कभी भी। और आपने देखा केसेस पढ़ाए जाते हैं? हाँ, कभी नहीं पढ़ाया। किसी मास्टर ने पढ़ाया नहीं,
ओवरऑल मेरी थ्योरी में ही पूरे चैप्टर पूरे क्वेश्चन सब हो जाते हैं। यस सर। अगर आप उसको रियलाइज कर लो तो आपका काम हो जाएगा। यस सर। फिजिक्स में, जहां तक फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, और लेवल में जो बच्चे अब जैसे जेई मेंस का एग्जाम देना, वहां पर भी आपको काम आएगा। यहाँ तक कि हम लोग पूरा नीट लेवल तक टच कराते हैं। अगर आपके संपर्क में कोई नीट का एग्जाम दे रहा हो, फ्रेशर हो, और आप नीट का एग्जाम दे देना, उससे ज्यादा नंबर आपके आएंगे और मुझे लगता है सेलेक्ट भी हो जाएंगे। अगर जितना मैथ में तमाम जगह पर फॉर्मेलिटी हो रही है, आप बताएंगे साक्षात बच्चे देख रहे हैं, क्या सीट का लेवल अच्छा है? सर बहुत अच्छा है। किस तरह की सीट में दे रहा हूँ? लेवल वन और लेवल लेवल वन और लेवल टू। पहली सीट में सारे बेसिक क्वेश्चन है। यस सर। और दूसरी सीट में कैसे है? दूसरी सीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे एग्जाम लेवल। यस सर। आप बताइए कोर्स के साथ साथ रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। कितने चैप्टर का हो गया होगा रिवीजन? लगभग आपने दोबारा ही करा दिया 4-5 चैप्टर। दोबारा रिवीजन करा दिया हो, और कितने चैप्टर बचे हैं अभी? दोबारा हो गया, सिर्फ 4 चैप्टर बचे। 4 चैप्टर सिर्फ बचे हैं, अभी 2 महीने है। तो समझिए क्या हम एक बार पूरी सीट लगवा सकते हैं क्या? सर हो जाएगा आराम से, 2 महीने है। 2 महीने में आराम से एक बार में पूरी सीट लगवा दूंगा। ये है मैथ ग्रुप की ताकत। इस वजह से जो लोग देख रहे होंगे वो कभी भी इस जीवन काल में इतना पढ़ा ही नहीं पाएंगे और ना इतना सोच ही पाएंगे, इसीलिए किसी के यहाँ एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है सिर्फ गुमराह करके, जो फीस का स्ट्रक्चर है आधा करके मेरे मासूम बच्चों को गुमराह करने का काम ये कोचिंग वाले कर रहे हैं, और वो 2-4 हजार बच्चे बचाने के चक्कर में, ऐसे कोचिंग वालों के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं कहता हूँ 4 हजार मत बचाओ, अपना सिलेक्शन लेकर आओ, अपना सिलेक्शन लेकर आओ। और अब मैं चाहूंगा सर आगे किसी बच्चे से बात करें। तो बेटा जो है सफलता की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए। अब हम बायोलॉजी स्ट्रीम में किसी बच्चे से बात करेंगे, ठीक है? बायो स्ट्रीम में तो चलिए सबसे पहले हम आप ही से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका भी बहुत लंबा अनुभव है और क्लास में परफॉर्मेंस भी अच्छा आपका चल रहा, बहुत सीरियस भी आप रहती हैं, पढ़ाई भी करती हैं। तो जो मैंने रीड किया है तो मेरे हिसाब से आप बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, है ना, अनुशासन में कैसे रखते हैं, है ना भाई, डर भी तो लगता हमसे, तो सारी बातें आप बताएं। सर बिल्कुल, एक एक चीज का रिवीजन कराया जाता है, सब कुछ एक ही चीज का रिवीजन कराते हैं, हर चीज को पहले इंग्लिश में बोलना, फिर हिंदी में बोलना, एक एक लाइन को पूरा डिटेल, नोट्स भी बनवाते हैं साथ ही साथ में। क्या आपके पास कोई नोट्स है जो आप दिखा सकती हैं, जो आपने बनाया हो? जी सर, फिजिक्स के हैं, बायो के हैं। जी सर, एक बार दिखा दीजिए जरा, बायो का फिजिक्स का दोनों दिखाइए। देखिए कैसे वार्षिक पाठ्यक्रम में कैसे होती पढ़ाई, कैसे होती पढ़ाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज, बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है सीवीटी के लिए जो मैंने पढ़ाया है, चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक एक पॉइंट देखिए, स्केलर क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, इसकी यूनिट के बारे में देख सकते हैं आप, चार्ज के बारे में पूरा एनालिसिस हुई है, मेथड ऑफ चार्जिंग सब एक्सप्लेन किया गया है, और आप सभी देख सकते हैं कितना बेहतरीन। ऐसा नोट्स कोई नहीं कानपुर में बनवा सकता है, यहां से लेकर के काकादेव मंडी नीट तक, ठीक है, नीट स्टैंडर्ड में कहीं किसी नीट से कम है? बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं है। नीट का भी एग्जाम दीजिएगा आप, ठीक है, तो हर एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, आप देखिएगा ये बिल्कुल सेम, यही क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कैसे इन्होंने नोट्स बना रखा है इंग्लिश मीडियम में। अच्छा क्या यही सेम हिंदी में भी लिखवाया जाता? नहीं, मतलब कहने का मतलब इसी लाइन को क्या इंग्लिश में हिंदी में भी बोला जाता है? हिंदी इंग्लिश सेम टू सेम मतलब ट्रांसलेट होता है, ठीक है, इसीलिए विद्यार्थियों का चयन होता है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन, देखो कितना बढ़िया इन्होंने बना रखा है, इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? निश्चित रूप से इनका सिलेक्शन होगा, और हम इनके जो है आगामी जो रिजल्ट है उसको हम पहले से बधाई इनको दे रहे हैं। इसी प्रकार से रिवीजन अगर करती रहेंगी, देख सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं है कि जो है ये हम पहले से ये इनको सिखा रखे हैं। देखिए जहां तक मैंने पढ़ाया है इन्होंने वहां तक लिखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी समय शुरू हुआ है। अब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखिएगा मैंने जो चर्चा परिचर्चा की है, सबसे पहले करंट के बारे में, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, करंट क्या होता है, और करंट से संबंधित सारे सवाल जो सेम टू सेम रिपीट होते हैं, करंट कितने टाइप की होती है, एसी डीसी, और
एसी करंट कौन सा इफेक्ट शो करती है, डीसी करंट कौन सा इफेक्ट शो करती है, ऐसे मुझे नहीं लगता है इस प्रकार का कलेक्शन कोई दे पाएगा। और ये कोई एक एनसीईआरटी नहीं है, ना जाने कितनी एनसीईआरटी का कलेक्शन मैंने कर रखा है, ना जाने अपने जो है इस दौरान लगातार 2007 से हम पढ़ा रहे हैं, उस अनुभव को हम इन विद्यार्थियों तक शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चे चयनित होंगे और पूरे भारत के अच्छे विश्वविद्यालय में जाएंगे सीबीटी के माध्यम से, यूपी कैडेट के माध्यम से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा ये बताओ कि हमसे डरती बहुत हो, ऐसा क्या? सर डरते नहीं, मतलब आप टीचर हैं तो थोड़ा बहुत तो डरना, जो अनुशासन में रखते हैं ठीक है। हाँ, सर, बिल्कुल। जैसे मान लो तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे, अभी हो सकता तुम्हें लगता हो कि हम थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों को यहाँ भेजोगे कि नहीं? सर बिल्कुल भेजेंगे, जरूरी भी है अनुशासन में रहना, बिल्कुल। बताते भी हैं हम घर पे कि आपके यहाँ सब कुछ बताते हैं, जितना भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ घर पे बताते हैं। अब ये पता तब चलेगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम्हारे पापा से मिलेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तब पापा तुम्हारे बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बायो ग्रुप का भी मैंने फीडबैक लिया, ऐसे सारे बच्चे बोलेंगे। वही बात मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं देखना चाहूँ तो इनका भी एक बार नोट्स मैं देख सकता हूँ, हिंदी मीडियम के हो, क्या कोई नोट्स है आपके पास, एक बार दिखा सकते हैं किस प्रकार से। अगर मान लीजिए मैं 1000 रुपया फीस ले रहा हूँ उदाहरण के लिए, बगल वाला 500 में पढ़ा रहा होगा, लेकिन वो 500 वाला दे रहा होगा, जो बच्चे कहीं इधर उधर क्रैश कोर्स में अभी भी भटके हैं, अभी भी समय है, कानपुर में अगर है तो आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम सेम डिक्टो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है बताया है, उनकी ब्रांचेज क्या, सारी ब्रांचेज आवेश, वही अभी चार्ज दिखाया था, धन आवेश का मतलब क्या, ऋण आवेश का मतलब क्या, आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम में पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट वाइज क्लियर किया गया। केसेस मतलब यही सवाल सेम टू सेम रिपीट होते हैं, और फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वही बता पाएंगे कि पहले जो 11 12th उन्होंने पढ़ा और आज यहां पर आकर के पढ़ रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा। ऐसे ही बायो, ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही मैथमेटिक्स, सारे विषयों का संकलन है। और एक चीज और बता दें, मेरे साथ वही टीचर यहाँ पर टिक भी पाता है जिसके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। बिना न जाने कितने टीचर आए कितने जाए गए, है ना, लेकिन लगातार 5-6 वर्षों से जो हम लोग एक मजबूत टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा है, आज कोचिंगें समाप्त होने के कगार पर है, आगामी जुलाई में मुझे नहीं लगता कोई एडमिशन ले पाएगा। और खासकर मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे, जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में 4000-3000 में गुमराह किया जा रहा, उन विद्यार्थियों को सोचना होगा कि भाई 2.5 महीने पढ़ना है, और अगर इतनी कम फीस में कोई मुझे बुला रहा है इसका मतलब निश्चित रूप से वो पढ़ा नहीं रहा, क्यों पांडे जी, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप हर बार की तरह एक बार आता है, बिल्कुल अभी भी मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त समय है, जो इधर उधर जाकर के एग्रीकल्चर वाले बैच में बैठ गए हैं कम फीस की वजह से, उन सभी का स्वागत है, एक बार आकर के अपनी बात को कहें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं नोट्स दे रहा था, पूरे भारत में हिंदी वही स्टाइल में इंग्लिश चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आप लोगों से 2 बजे मैथ और बायो ग्रुप के लिए महामैराथन क्लास आयोजित की जाएगी। 2 बजे सभी लोगों को जुड़ना है, कितने बजे? 2 बजे सभी लोगों को जुड़ना है जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं, यूपी कैडेट सीवीटी वीसीसी का सपना देख रहे हैं, सबको हर संडे आपको मैराथन क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।